हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट काउंसलिंग के बारे में। जैसे कि एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है एमपी से, एमपी में जो स्टेट काउंसलिंग है, नीट स्टेट काउंसलिंग जो कि 85% सीटों पर काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में, उसमें रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है dme.mponline.government.in पर जाकर आपको जानकारी देखनी होगी। सभी लेटेस्ट अपडेट आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये भी आपको सभी जानकारी साइट से मिल जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे आपको क्रिएट प्रोफाइल आपको बनानी पड़ेगी। सबसे पहले कैंडिडेट कॉर्नर में जाएंगे, यूजी रोल नंबर आपको यहाँ पर रोल नंबर आपको और एंटर पासवर्ड एंटर करना होगा और कैप्चा सबमिट करके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, फ्लो चार्ट एमपी स्टेट कंबाइंड नीट यूजी काउंसलिंग। तो इसमें आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं कैसे नीट की काउंसलिंग होगी, परफॉर्मा देख सकते हैं आप यूजी काउंसलिंग स्टेट। तो ये सभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे और भी बहुत सारी जानकारी दी हुई है। नेम्स ऑफ पार्टिसिपेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, आप कॉलेज देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है नीट यूजी 2021 में काउंसलिंग में। और भी बहुत सारे नोटिस हैं, नोटिस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एलिजिबिलिटी, तो बहुत सारे इसमें नोटिस है, तो आप वो देख सकते हैं सभी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि हमने इसमें देखा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है और कहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये सब बातें हमने देखी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। एमपी आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग, अगर यूपी से हैं तो यूपी आयुष काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग, तो सभी जानकारी आपको काउंसलिंग से रिलेटेड मिलती रहे। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।